हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपको ये जेंट्स स्वेटर, हाफ जेंट्स स्वेटर में बाजू की घटाई और पीछे के गले की घटाई कैसे करते हैं ये बताने वाली हूँ। ये नॉर्मल साइज का जेंट्स स्वेटर है, जिसमें ये देखिए मैंने 100 फंदे डाल के बॉर्डर बनाए हैं 10 नंबर की सिलाई से। बॉर्डर ये आपके ऊपर है कि आप कितना बड़ा रखना चाहती हैं। मैंने इसको 28 सिलाई 10 नंबर की सिलाई से बनाया है और इसके ऊपर मैंने 9 नंबर की सिलाई लगा के 10 फंदे बढ़ाने के बाद इसकी ये लंबाई इतनी कर ली है। आप अगर स्वेटर आपके पास जो पुराना है आप उससे नाप सकती हैं, आप हाथ से नाप सकती हैं। मैं इसको इस तरह से आपको बता देती हूँ कि देखिए ये बॉर्डर के बाद ये 14 इंच की लेंथ हो गई है, तो अब मैं इसमें इसकी बाजू की घटाई करूंगी और पूरी लेंथ जो अब तक की है देखिए ये 17 इंच है कंप्लीट। और इसको ये बैक पार्ट है तो ये 9 नंबर की सिलाई से मैंने बनाया है। 2 प्लाई का वर्धमान का ये ऊन है। आप अपना ऊन और अपना हाथ जरूर चेक करिएगा कि आपका हाथ कैसे चलता है और आप कौन सा ऊन ले रही हैं। तो ये देखिए ऊपर 110 फंदे हैं, तो ये इतना मैंने बिन लिया है, अपनी लंबाई कंप्लीट कर ली है। अब ये उल्टी सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम इसको घटाएंगे, पहले सबसे पहले बाजू। तो बाजू की घटाई करने के लिए इसमें 110 फंदे हैं, तो मैं 4 3 2 1 करके घटाती हूँ। तो इसको उल्टी सिलाई कंप्लीट करने के बाद फिर इसकी हम घटाई करेंगे। अब देखिए ये लंबाई कंप्लीट हो चुकी है मेरी, जितनी हमको रखनी है। आप अपने हिसाब से अपना पहला स्वेटर देख के या कमर से आपको शोल्डर तक की लंबाई देखनी है, जहां से आप बाजू घटाती हैं आप कितना लंबा रखना चाहती हैं उस हिसाब से आप इसको बनाइएगा। अब ये 110 फंदे में सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में हम 4 फंदे घटाएंगे। तो ये देखिए 2 फंदा इसको पीछे वाला ये ऐसे घटा देंगे तो 1 फंदा घट गया। फिर इसके ऊपर से ये 2 3 और ये 4, ये यहाँ पे बाजू की घटाई हो गई। अब इसी तरह से हम उल्टे तरफ से भी घटाएंगे। इसको देखिए ये 4 फंदा घटाने के बाद ये देखिए हाफ कर लिया है मैंने। अब यहाँ पे देखिए ये जो इसकी लंबाई हो गई है टोटल, बाजू जहां से मैंने घटाया है ये यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। और फ्रंट पार्ट इसका जो होता है देखिए वो भी मैंने तैयार कर लिया है। ये डिजाइन मैंने आपको बताया है अपने इस चैनल पे। तो ये बॉर्डर से बिल्कुल नीचे से देखिए, बिल्कुल नीचे से जब हम इसकी ये लंबाई लेंगे ऐसे, और इसको आप देखिए तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की जो बॉडी की लंबाई होती है स्वेटर की, अच्छे से आप रखिए तो ये देखिए इतना कम है। अब ये लगभग 2 से 3 अंगुल ये कम रहता है, लगभग 8 से 10 सलाई। तो यहां से हम फ्रंट का गला घटाते हैं, ये जो गला घटेगा इसका फ्रंट का, तो ये देखिए इतना हमारा ये जो फ्रंट पार्ट है छोटा है, 8 सलाई लगभग ये नीचे या 10 सलाई नीचे से मैं गला घटाती हूँ। अगर आपको थोड़ा छोटा गला पसंद है तो आप जहां से ये स्लीव घटाती है वहीं से ये गला भी घटाइएगा। तो अभी मैं आज आपको ये बैक पार्ट बता रही हूँ, फिर ये फ्रंट पार्ट भी आपको ये बाजू की घटाई और गले की वी नेक की घटाई बताऊंगी। तो ये देखिए ये इतना घटाने से लगभग आप ये मान के चलिए कि 2 अंगुल फ्रंट पार्ट छोटा होता है। ये देखिए ये सीधी सिलाई कंप्लीट होने के बाद यहाँ जहां से हमने इसकी घटाई की है सीधी तरफ, ये पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई। देखिए यहां से अब उल्टे तरफ से भी हम 4 फंदा घटाएंगे। आप चाहें तो एक एक फंदा बिन के घटाइए, मैं इस तरह से देखिए 2 फंदे एक साथ लेके ये घटाती हूँ। ये अब इस फंदे को इस पर चढ़ा लेंगे तो ये 1 फंदा यहाँ घट चुका है, ये 2 3 और ये 4, 4 फंदा ये घट गया। अब फिर पूरी उल्टी सिलाई बिन के सीधे तरफ से फिर इसकी घटाई करेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले सीधी तरफ से 4 और उल्टी तरफ से ये 4 4 फंदे घट गए। ये देखिए उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई और अब फिर सीधे तरफ से जैसे हमने पिछली बार घटाया था 4 फंदे, इस बार हम 3 घटाएंगे। तो ये पहला उतार के दूसरा फंदा हम बिनते हैं और इसको जब इसके ऊपर से ऐसे उतार देते हैं तो 1 फंदा हमारा घट जाता है। इसी तरह से देखिए ये 2 और ये
3। इसको टाइट मत रखिएगा, बहुत लूज भी मत रखिएगा। देखिए इस तरह से ये आना चाहिए। इसके बाद फिर पूरी सीधी सिलाई बिन लेंगे और उल्टे तरफ से भी हम 3 फंदा घटा लेंगे। इसी तरह से अगली सीधी सिलाई में 2, फिर अगले सीधी सिलाई में 1, यानी टोटल 10-10 फंदे हम दोनों तरफ से घटाएंगे। तो ये देखिए 3 फंदा घट गया। अब उल्टे तरफ से 3 फंदा, फिर जब सीधी तरफ आएंगे तो 2, फिर उल्टे तरफ से 2, फिर सीधी साइड से 1 और उल्टे साइड से 1, 10-10 फंदे दोनों तरफ से हम घटा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये 4, 3, 2, 1 करके ये मैंने घटा लिया है पूरा इस साइड का, और इस साइड भी देखिए उल्टे तरफ से भी ये टोटल पूरा घट गया है। अब यहाँ से हम लगभग 1 बित्ता बनाएंगे लंबाई गला घटाने के पहले, बिल्कुल सादा। अब इसमें टोटल 90 फंदे बचे हैं, तो इस 90 फंदे को सीधा उल्टा बिनते हुए लगभग 1 बित्ता हम बना लेंगे। इसके बाद बैक का गला घटाएंगे। तो इतनी लंबाई पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए इतनी लंबाई मैंने कर ली है घटाने के बाद से। इंच टेप से अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसका टोटल ये जो घटाया गया है यहाँ से, ये देखिए पूरा ये और ये टोटल 10 इंच है। आप ये देखिए यहाँ से और ये जो घटा है लगभग ये 10 इंच है घटने के बाद। और अगर मैं सलाई से बताऊं, मैं जब ज़्यादातर सलाई से ही बनाती हूँ। देखिए मैं ये पिन लगा के रख लिया है मैंने, तो ये चीज जो है लगभग ये घटाने के बाद टोटल 60 सलाई है। तो 60 सलाई ये मैंने बनाया है, यानी कि मैं जो पिन लगाती हूँ, मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि आप पिन क्यों लगाती हैं। तो ये देखिए ये जो फंदे हम उतारते हैं, तो ये जब मेरे 10-10 हो जाते हैं केवल, तो मैं ये फंदे पिन लगा लेती हूँ। तो इसी तरीके से यहाँ से देखिए ये घटाने के बाद से जब 10 हो गया तो फिर 10 हो गया, तो फिर इस तरह से ये टोटल 30 हो गया, यानी कि मेरी टोटल 60 सिलाई ये कंप्लीट हो गई है। अब हम इसका गला घटाएंगे। मैं बैक में गला घटाती हूँ, थोड़ा सा गला घटाने से इसका शेप बहुत अच्छा आता है। तो अब इसको देखिए, सबसे पहले तो ये हमारे जो 110 फंदे थे, 10-10 फंदे हमारे यहाँ पे घट चुके हैं दोनों किनारों पे, तो अब हमारे पास टोटल 90 फंदे बचे हैं। तो अब इन 90 फंदों को पहले हम हाफ हाफ कर लेते हैं, यानी कि पहले 45 फंदे हम बिन लेंगे। तो देखिए 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से करके टोटल 45 फंदे पहले मैं बिन के हाफ हाफ कर लूं। ये देखिए 45 फंदे मैंने बिन लिया। अब इसको हम पहले नहीं बिनेंगे, पहले हम इधर का पार्ट बिनेंगे, बिनाई करते समय जो सीधी साइड है। अब इसमें भी देखिए 45 फंदे हैं, तो इसमें से मैं 28 फंदे शोल्डर के लिए रखूंगी। तो अब ये देखिए जो हम गले की घटाई करते हैं उसका मैं एक बेसिक मेजरमेंट आपको बता रही हूँ, मैं जो घटाती हूँ उस तरीके से। तो ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 और ये 28, ये 28 फंदे मैं शोल्डर के लिए रख लूंगी। अब इसके बाद जो 10 फंदे हमने बाजू की घटाई की है दोनों साइड से इधर और इधर, तो वो 10 फंदे पहले, तो 2, 4, 6, 8, 10 ये 10 फंदे हो गए। अब मैं बीच में देखिए 3, 3, 6, 1, 7 फंदे मैं इधर सबसे पहले घटाऊंगी। तो पहले 7 फंदे ये घटा लेती हूँ। आपका फंदा अगर और ज्यादा है तो आप शोल्डर पे और ज्यादा रख सकती हैं। मेरे 110 फंदे में से 20 फंदे घट चुके हैं दोनों तरफ से, 10-10 फंदे मैंने घटाए हैं, तो अब टोटल 90 फंदे हैं। तो अब देखिए 1, 2 फंदा बिनने के बाद अब इसको इस पर से उतार देंगे। तो ये हो गया 1 फंदा घट गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 फंदे घट गए और अब बाकी के फंदे हम सीधे बिन लेंगे। देखिए बचा हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,
35, 36, 37 और 38। ये 38 फंदे हमारे बच गए हैं अभी। अब इसको, ये जो इतने फंदे हैं इसको मैं पहले उल्टा बना लूंगी, फिर इसके बाद हम गले की घटाई करेंगे। तो ये पहले इतना उल्टा बिन लेते हैं। ये देखिए, ये उल्टी सिलाई हो गई कंप्लीट। अब बाकी की जो घटाई है, जो हमने ये देखिए 4, 3, 2, 1 करके घटाया है, ये हाफ स्वेटर का मैं बता रही हूँ। हाफ स्वेटर में मैं इतना बनाती हूँ। अगर आप फुल स्वेटर बना रही हैं तो इतना, ये इसकी लंबाई इतनी ज्यादा नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें स्लीव लगाना है और हाफ स्लीव में यहाँ बॉर्डर बिनना होता है, इसलिए हम थोड़ा सा ज्यादा इसको बनाते हैं। तो ये हाफ स्वेटर है। तो अब ये देखिए, अब सबसे पहले जो हमने 4 फंदा बाजू के लिए घटाया था, तो अब वो 4 फंदा यहाँ हम घटाएंगे। 1, 2, 3 और ये 4। ये 4 फंदे घट गए। अब फिर बाकी के सारे फंदे हम सीधे और यहां तक फिर उल्टे बिन लेंगे। देखिए, ये उल्टी सिलाई भी 4 फंदा घटाने के बाद सीधी और उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई। और अब 3 फंदा घटाएंगे। जो 10 फंदे हमने घटाए थे जिस तरीके से, उसी तरीके से यहां पे ये घटाएंगे। तो 4 फंदा मैंने घटा लिया है। अब ये देखिए, 2 और ये 3, 4 और 3, 7 फंदे घट गए। अब अगली सीधी सिलाई में 2 फंदे, फिर उसकी अगली सीधी सिलाई में 1 फंदे घटा देंगे। तो इस तरीके से देखिए, अब ये पूरी सीधी सिलाई और उधर से उल्टी सिलाई भी इसी तरीके से बनेगी। ये देखिए, पहले 7, फिर 4, फिर 3 फंदा घट गया। ये देखिए, ये भी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो अब सीधी साइड से हम 2 फंदे घटाएंगे, जिस तरीके से अभी तक हम लोग घटाते आ रहे हैं। तो ये देखिए, पहला फंदा उतार के, दूसरा फंदा इस तरह से बिन के, और पहला फंदा इसके ऊपर से उतार देंगे। 1 फंदा घट गया और अब इसके ऊपर से ये दूसरा, ये 2 फंदे घट गए। फिर बाकी के सारे फंदे हम सीधी सिलाई का और फिर उल्टी सिलाई ऐसे ही सीधा उल्टा बना लेंगे। अब देखिए, लास्ट 1 फंदा जो रह गया है, अब उसको भी हम घटा लेंगे ये इस तरह से। तो अब यहां से आप देखिए, ये काउंट करिए, तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और ये 28। जितने फंदे हमको शोल्डर पे रखने थे उतने अब हमारे इस पे बचे हैं। और अब इसको भी उल्टी सिलाई बिनने के बाद अब हम दूसरे तरफ का जो शोल्डर का पार्ट है उसको बनाएंगे। तो इसको मैं गले में इतना फंदा जरूर घटाती हूँ। आप चाहें तो, अगर आपका फंदा ज्यादा है या कम है तो आप उस हिसाब से रखिए, क्योंकि बच्चों के शोल्डर पे कम फंदे होते हैं तो कम फंदे घटते हैं। जितना बाजू में मैं घटाती हूँ उतना घटाती हूँ, और उसके अलावा जितने शोल्डर पे रखने होते हैं उसको प्लस करने के बाद जितने फंदे बीच में बचते हैं उतने हाफ हाफ दोनों तरफ घटा देते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हमने 7 फंदे घटाए थे और ये शोल्डर के 28 फंदे, तो ये इतने फंदे हो गए कंप्लीट। अब इतना यहाँ से थोड़ा सा दूर से इस तरह से हम ये ऊन कट कर लेंगे, और इसी ऊन को अब हम, ये जहां से हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले घटाना, वहां पे इस तरह से सिलाई अब डालिए ऐसे, और ये ऐसे ऊन को इधर निकाल के यहाँ हम नॉट लगा देंगे। ये देखिए, थोड़ा बड़ा ही रखिएगा ये इसका जो सिरा है, क्योंकि छोटे रखने पे कभी कभी नॉट खुल भी सकता है। तो अब ये देखिए, इसको भी ध्यान दीजिए कि ये खुले ना, इसको एक तरफ रहने देंगे। अब इस तरफ भी सबसे पहले हम 7 फंदा घटाएंगे उल्टे उल्टे बिनते हुए। तो ये देखिए, 1, इस ऊन को ऐसे फंसा लीजिए, 2, 3, 4, 5,
ये ऐसे रख के जब इसके ऊपर आप ऐसे ऊन रख देंगे तो ये फंस जाएगा, 6 और ये लास्ट 7। ये 7 फंदे हमारे घट गए और बाकी के सारे फंदे उल्टे बिन लेंगे, तो इसको भी हम फंसाते जाएंगे ताकि हमारा कोई भी पीछे की तरफ ऊन का टुकड़ा ना दिखे। तो इसको ऐसे हम फंसा लेंगे तो ये ऊन सारा फंस जाता है और अब बाकी के सारे फंदे हम इस तरीके से उल्टा और फिर यहां तक सीधा बिन लेंगे। ये देखिए ये सीधी सिलाई भी कंप्लीट हो गई और अब इधर से सबसे पहले अब हम 4 फंदा घटाएंगे, जिस तरह से इधर हमने घटाया था 4 3 2 1, तो अब ये उल्टे तरफ से ही इसको भी देखिए 1 2 3 और ये 4, अब बाकी के सारे फंदे उल्टे उल्टे बिन लेंगे। इसी तरीके से अगले उल्टे सिलाई में 3 फिर 2 फिर 1 हम घटा लेंगे, तो ये गले की घटाई देखिए गहरी सी हो जाएगी। ये देखिए अब इस बार हम 3 फंदे घटाएंगे। ये देखिए 2 फंदे जब हम एक साथ बिनते हैं तो एक फंदा ये घट जाता है, फिर ऊन इस पर चढ़ा के फिर 2 फंदे एक साथ बिन लेंगे तो ये दूसरा फंदा घट जाएगा और फिर ये तीसरा, क्योंकि 2 फंदे घटाने के बाद जब हम ये बिनते हैं तो एक फंदा हमारे सिलाई पे आ जाता है, तो ये 3 फंदा घट गया। तो अब इसको भी हम पूरा उल्टा और सीधा ये बना लेंगे। देखिए अब उल्टे साइड से सिर्फ 2 फंदे घटाएंगे, तो ये देखिए यहां से क्योंकि हम उल्टे तरफ से ही घटा रहे हैं इस साइड, और जब सीधी साइड से घटाएंगे तो वो हम सीधा फंदा ये वाला जब हम घटाएंगे तो ये सीधे तरफ से और ये उल्टे तरफ से इसको हम घटा देंगे। देखिए और अब ये लास्ट 1 फंदा जो हमें घटाना है, तो देखिए 1 ये घटा लिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, देखिए 2 4 6 8 10 12 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और ये 28, ये भी इस साइड का भी शोल्डर कंप्लीट हो गया और अब इधर का भी इस तरह से हम ये ऊन कट कर लेंगे। तो अब देखिए ये गला घट गया, इसको मैं इस सिलाई पे उतार दूं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसको ऐसे उतार देते हैं, तो आप चाहे बच्चे का बनाइए या बड़े का, ये गले में पीछे की तरफ जरूर फंदे घटाने चाहिए, इससे गले का शेप बहुत अच्छा आता है। तो अब ये देखिए इस तरह से ये गला ये घट गया, बहुत ज्यादा नहीं घटा है, थोड़ा सा ये लगभग 10 सिलाइयों में ये घटा है। पहले ये देखिए 7 फिर 4 3 2 1, ये करके टोटल 10 सिलाई हमारी यहां से यहां तक गई है सीधी उल्टी मिला के और ये गला घट गया है। और अब इसकी जो ये लंबाई है, ये देखिए अगर इसकी लंबाई अब तैयार जो है ये, देखिए टोटल 11 इंच है, तो ये हमारे शोल्डर की लंबाई है हाफ स्लीव की। फुल रहती तो ये जितना अभी ये था टोटल ये 10 इंच ही रहता, ये 1 इंच जो एक्स्ट्रा अभी बढ़ा है, इतने के अंदर ही हम गला भी घटा लेते और ये बाजू की लंबाई भी ले लेते क्योंकि इसमें स्लीव जोड़ा जाता, लेकिन ये हाफ है, हाफ में हम थोड़ा सा ज्यादा बिनते हैं। और ये देखिए इस तरीके से अगर मैं सिलाइयों में कहूं तो ये
घटाने के बाद, ये 4, 3, 2, 1 घटाने के बाद मैंने यहाँ से यहाँ तक टोटल 70 सिलाई बनाई है सीधी उल्टी मिला के। तो ये मैं पिन लगाती हूँ, जैसा कि मैंने बताया 10-10 केबल के बाद, यानी जब 20 सिलाई हो जाती है तो मैं ये पिन लगा लेती हूँ। तो इस तरीके से देखिए, ये गला बैक साइड में जेंट स्वेटर में मैं इस तरह से घटाती हूँ, ये मैंने आपको बताया। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आपको ये पसंद आया और अच्छा लगा तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और इसके आगे का पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, गला घटाने से लेके शोल्डर जोड़ने तक इसके अलग अलग दोनों साइड के पार्ट में कैसे घटते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, वी गला और इसका ये उसके बाद फिर उसका गला बनाना और ये शोल्डर के फंदे उठा के कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको यदि आप चाहेंगे तो जरूर बताऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक जरूर करिएगा। मैं अगले वीडियो में मिलूंगी इसके फ्रंट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।